खबर आगरा से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस बूथ के सामने बदमाशों ने गोली मार दी। कार सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को गोली मारी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरि पर्वत थाना इलाके का यह पूरा मामला। मृतक व्यापारी के परिवार में कोहराम मचा, हथियारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस बूथ के सामने बदमाशों ने गोली मारी। सबसे ज्यादा हैरत में डाल देने में तस्वीरें यही है कि पुलिस बूथ के सामने सरेआम गोली मारी जा रही। तो सोचिए क्या खौफ इन बदमाशों के मन में है, क्योंकि अगर रत्ती भर खौफ होता तो इतनी जहमत इनकी होती ही नहीं। हरि पर्वत थाना इलाके का ये पूरा मामला है। मृतक व्यापारी के परिवार में इस वक्त कोहराम मचा है। व्यापारी की मौत के बाद हथियारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बदमाशों के हौसले आगरा में दिनों दिन बुलंद हो रहे हैं। आगरा में आई इस बार की तस्वीर ने सबको हैरत में डाल दिया है। पुलिस बूथ के सामने बदमाशों ने गोली मार दी। सब इस वक्त सख्ते में है, हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि जब पुलिस बूथ के सामने ही कोई सेफ नहीं है तो सोचिए आम सड़कों पर कोई कैसे सेफ हो सकता है। व्यापारी की मौत, हरि पर्वत थाना इलाके का यह पूरा मामला है। मृतक व्यापारी के परिवार में इस वक्त कोहराम मचा है। कृष्णा त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। कृष्णा, हथियारों की तलाश में अभी तक पुलिस जुटी हुई है, लेकिन कुछ हाथ लगा पुलिस वालों के कि नहीं? जी, मैं आपको बता दूं, यह मामला थाना न्यू आगरा के बलकेश्वर क्षेत्र का है, जहां बीती रात कपड़ा व्यापारी को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से कपड़ा व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। अभी इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है कि कपड़ा व्यापारी को गोली क्यों मारी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। किन कारणों से गोली चलाई गई थी, इस बारे में कोई जानकारी? ये कोई पुराने रंजिश का मामला है या व्यापारी से लूट का मामला है? मामला क्या, किन कारणों से व्यापारी पर गोली चलाई गई? पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस परिवारी जनों के बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश के चलते कपड़ा व्यापारी में गोली मारी गई है, और पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। आखिर क्या इस तरह का कोई और भी कोई कारण तो नहीं था? कहीं ऐसा कोई और कोई कारण ये भी हो सकता है जी, कि कपड़ा व्यापारी लेट नाइट लौटने के कारण कपड़ा व्यापारी को इस वारदात में अंजाम दिया गया हो। पुलिस बूथ के सामने गोली मारी जा रही है, तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि मन में कोई खौफ तो है नहीं कानून का। जिस दौरान में ये गोलीबारी हुई, क्योंकि पुलिस बूथ के सामने बदमाशों ने गोली मारी, पुलिस वाले वहां पर कितनी दूरी पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, ये लेट नाइट का मामला था, जहाँ पुलिस बूथ है, और लेकिन वहाँ पुलिस करीब 6-7 बजे तक रहती है, उसके बाद पुलिस बूथ खाली हो जाता है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे इसलिए बंद कर दिए जाते हैं कि पुलिस पूरे दिन वहाँ पर पैसे की उगाही के चलते वहाँ वो उगाही करती रहती है, जिसके चलते सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए गए हैं। सोचिए जब पुलिस वाले खुद कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं क्राइम पर, तो क्राइम कंट्रोल होगा कैसे? बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका। सीसीटीवी कैमरे ही बंद कर दिए गए, और वो बंद करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस के कर्मचारी, जैसे कि संवाददाता बता रहे थे हमारे कि वहां खुद उगाही करते हैं, इसलिए उनकी उगाही की तस्वीरें कैद ना हो जाए गलती से, इसलिए सीसीटीवी कैमरे ही खराब कर दिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक वारदात है ये कि मृतक व्यापारी की फिलहाल तो मौत हो चुकी है, लेकिन उसे पुलिस बूथ के सामने ही गोली मारी गई।